क्या तैयारियां की है सीजन टू के लिए? बीच में सीजन टू के लिए हमने बहुत सी तैयारियां की है और सीजन टू में बहुत सारे चेंजेस कुछ चेंजेस के बारे में बताना चाहेंगे? चेंजेस के बारे में अभी सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेकंड सीजन जो है वो डिज़ाइन किया गया है? देखिए सबसे खास बात तो ये है कि सीजन टू हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमने पहले सीजन वन किया, सक्सेसफुल तरीके से किया, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। तब एक छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उस आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया, करके भी दिखाया। एक इतने छोटे बच्चे के द्वारा कोई इवेंट करना, कोई शो लेके आना, कोई बात सामने रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिंदगी लोग बच्चे की बात मान लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा बात तो जैसा कि मैंने इसका स्टोरी सुना कि किस तरह से इसके दिमाग में आया, किस तरह से इसके मन में आया, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर सीजन टू हो रहा है तो ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि सीजन वन के अगर अच्छा नहीं होता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सीजन टू नहीं आता। सीजन टू आ रहा है इसका मतलब है कि सीजन वन में हमको बहुत अच्छा मिला, लोगों ने पसंद किया। हम जैसे कि बताया कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में गए, बहुत सारी जगह में किया, ऑडिशन किया, प्रोडिशन किया और पूरे पैन इंडिया से लोगों को चांस दिया। खास बात यह है कि इसमें आपके पास कोई भी टैलेंट हो, आपके पास सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आप अच्छी मिमिक्री करते हो, आप अच्छा किसी की नकल करते हो, या कोई ऐसा टैलेंट है जिससे को देख के लोग बहुत पसंद लोग आए या एंटरटेन, तो वो प्लेटफॉर्म देने का कोशिश छोटे से बच्चे भी किया, हम सब इसके कारवा में शामिल। सीजन टू में कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, कभी भी बदलाव तो होता ही है, नए नए चेहरे आते भी हैं, नए चेहरे नई नई चीज़ें आने की एक अच्छे स्टेप की निशानी होती है कि हर बार जब कोई नया काम करता है तो भी नए लोग कदम रखते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करते हैं इसका मतलब है कि यहाँ कुछ अच्छा पास में हुआ था, अभी कुछ और अच्छा होने वाला है। जम्स, इसके अलावा ऑडिशन किस तरह का होने वाला है, क्या तैयारियां की गई है, क्या पिछली बार की तरह सभी सिटीज़ में जाने वाले हैं या और भी कोई सिटीज़ ऐड किया है आपने? आप ऑडिशन के लिए क्या उसी सिटीज़ में जाएंगे जहां पर पिछली बार गए थे या इस बार कुछ और सिटीज़ आपने ऐड ऑन किया है? सर आपसे जानना चाहेंगे, जूरी मेंबर है आप, कितनी तैयारियां की है आपने और सीज़न वन आपने देखा क्या? हमारे बीच में है सीज़न वन देखा है, तैयारी जूरी मेंबर की नहीं होती, मेन तो तैयारी कंटेस्टेंट की होती है सबसे पहले। बट हाँ, कब होता है जब आपके पास इतने सारे कंटेस्टेंट होते हैं, इतने सारे आपके पास टैलेंट है, तो फिर उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ डेफिनेटली हम वेट करें कि शाम अच्छे सिटीज़ में जा जाके लगता जा जाके नए टैलेंट से क्या था कि हमें भी मौका मिले टैलेंट को देखने का और इन्हें जूरी में शो करने का। सीज़न वन जिस तरह से हुआ था, सीज़न टू में क्या कुछ नई चीज़ ढूंढने का प्रयास आपकी ओर से हुआ? जी, अपने भारत देश में टैलेंट की कमी नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, मुंबई हो, एमपी हो, यूपी हो, कश्मीर, मतलब कितना टैलेंट भरा हुआ है कि मतलब फर्स्ट सीज़न तो चलो हुआ हुआ, बट सेकंड सीज़न में आपको नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी। अगर मैं अभी इसको करूँगा या चंद उसको करेगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि जितनी हमारी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे इस एपिसोड का वेट करें और देखें कि क्या क्या चीज़ों में इसमें बदलाव होने वाला है, क्या क्या है। शम्स, लास्ट सीज़न में एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, इस बार क्या वो होने वाला है? और कितने कंटेस्टेंट्स को आप लोग फाइनलाइज करेंगे? 40। सर आपसे जानना चाहेंगे, नई चीज़ है, कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां आपकी ओर से की गई? देखो, तैयारियां हमेशा एक साथ से शुरू करता है, जिसके साथ जब पहला सीजन हुआ था तो मुझे बताया गया कि उसके पास से ही सीजन शुरू कर दिया गया, पहला सीजन कर सकते हैं, तैयारी तो आपको करनी पड़ती है। कोशिश तो यही है कि उसका प्लेटफॉर्म दिया जाए, अच्छे लोगों को मौका दिया जाए, वो लोग जो पीछा रह जाते हैं, वो लोगों को मौका नहीं मिल पाता, वो लोग बोले थे उन्नीस रह गए थे जो पहुँच नहीं पाए थे, उनके प्लेटफॉर्म में और
आपके पास जो टैलेंट है, जो भी आपके पास टैलेंट है उसको सामने देगा, बस यही कोशिश रहेगी और यही हम लिए कोशिश रहेगी। पिछला सीजन करने के बाद ये सीजन हम करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली जो मैंने पहले कहा, लोग एक सीजन करने के बाद या तो भूल जाते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम सीजन टू नहीं किया है, हम उम्मीद ही करेंगे और करते रहेंगे। ये सीजन टू उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम सीजन वन करने के बाद सीजन टू लेकर। टैलेंट शो के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गली गाइज ने पिछली बार ये साबित किया कि वो सब बेहतर है, इस बार किस तरह से चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं टैलेंट्स के लिए, तो ऐसे में गली गाइज कितना एफर्ट करने वाला है लोगों तक पहुंचने के लिए? आपको बहुत बड़े बड़े भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बहुत बड़े स्केल में किए जाते हैं। गली गाइज की खासियत ये है कि हर गली मोहल्ले के बच्चे किसी तरह का टैलेंट है, प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। हम कैसे उसको कोशिश करके हम एक अच्छे तरीके से कोशिश कर पाए, कोई अच्छा गाना गाता है लेकिन उसको उसको मौका नहीं मिला, उसको वो चीज़ नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो हम सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से पूरा 100% लगाएंगे कि जो भी टैलेंट है उनका सामने आए और अच्छे तरीके से आए, हम अच्छे तरीके से उसको पेश कर पाए। इसके अलावा कोई सजेशन आपने दिया है कि इस सीज़न में कुछ चेंजेस करने चाहिए, ऐसा कोई सजेशन आपकी तरफ से? सर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, क्रिएटिविटी की लिमिट नहीं है, क्योंकि बीमारी है, क्रिएटिविटी का इतना भरपूर हमें मसाला दे सकते हैं या हमें मसाला दे सकता है तो सबसे लिए अच्छा। सबसे में जब थोड़ा सा मसाला अच्छा हो तो अच्छे लगते हैं, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं। अच्छा, लास्ट सीज़न जो टेलीकास्ट हुआ था आपके प्लेटफॉर्म पर, तो क्या रिस्पांस रहा, कितना बढ़िया रिस्पांस मिला था और इस सीज़न से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी इस सीज़न से? मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह से सवाल साथ जुड़ी हुई हो आप और क्या सपोर्ट करने आए हो, क्या शुभकामनाएं दी गई उसकी लाइफ अलग अलग किस्म का आपने पहले सीजन देखे हैं? मैंने थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देखा, इस बार देखने वाले 100% इस बार बोल रहे मैं तो देखना है पूरा। सबसे अच्छा आपको उस समय जब आपने ये देखा पूरा भारत से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पर बच्चे आते हैं अपना टैलेंट दिखाते हैं, हर कोई आके अपना टैलेंट दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं खो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग किसी तरीके से सामने उनको लेकर आए हो? हमारा
जो है ये बेसिकली इसका यही मीडियम है कि बहुत सारे लोग जो अच्छे जाते हैं काम नहीं मिल पाता या वो निराश हो जाते हैं या एक लेवल सोच के हमारा एम नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बदले में ओके रिपीट कर सकते हैं लोग इस प्रोग्राम में तो पहले फर्स्ट सीजन में तो सेकंड सीजन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं टैलेंट है तो बिल्कुल डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको चांस नहीं मिला या रह गए रहो अपना चांस थैंक यू ओके थैंक यू इधर कर बोले भी कर लो आज तो कंपनी की मीटिंग है वहाँ को कैसा लगता है वो आप लोग खुद समझते होंगे बहुत अच्छा पढ़ा लिख गया है इसलिए हम लोग चेकअप के लिए करने के लिए जुड़े हुए अभी हमारे घर खाना किया है तो खाना भी आप आज हम खाना यूज़ कर रहे हैं तो आप खाना देखिए और बताइए वहाँ कैसा है संस्कृत पर आपके सामने खाना जब ऑडियंस वहाँ पर आती है या पार्टिसिपेंट्स जब वहाँ पर आते हैं तो आप वहाँ मौजूद रहते हैं उनके साथ में आप जिस तरीके का रोल निभाते हैं आप लोगों को पता तो होगा ना कि इसके दिमाग में कैसे आता है हाँ इस बारे पूरी कौन कौन सोने वाले सेलिब्रिटी में ये बता दीजिए मैडम बताएंगे जूरी कौन कौन सी सेलिब्रिटी में होने वाले इस सीजन में सेकंड में कुछ और सेलिब्रिटी भी दिखाई देंगे इस सीजन में अच्छा पिछली बार के जो कंटेस्टेंट थे जो विजेता थे क्या वो रिपीट होंगे इस सीजन में या उन्हें क्योंकि जिस तरह से बाकी के जो शोज होते हैं रियलिटी शोज उसमें उन्हें जज बना दिया जाता है तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा गेस्ट बुलाएंगे तो वापस कोई नया टैलेंट इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि 25 लाख आपने लास्ट टाइम ऐलान किया था तो वो किसे मिला और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उधर करो 25 लाख उधर किस तरह से आप जुड़े हैं इसी तरह बहुत ही मुश्किल था प्रिया जी का संस का जो प्रयास है वो उसी तरह है जिस तरीके से मधुमक्खी जो है वो फूल ढूंढती है किस फूल से मैं शहद फूलूँ तो मेरा शहद जो है जाए उसी तरीके से और ये टीम वर्क है जो टीम पूरी मेहनत कर रही है नई नई चीज़ों गलियों में से पहले निकालना ये अभी तक किसी ने नहीं किया ये फर्स्ट प्रयास इसका ही नाम है और नाम बहुत अच्छा होगा क्योंकि आगाज बहुत अच्छा होगा जब शुरुआत अच्छी होती है तो नाम हमेशा मेन चीज़ है कि उनके अंदर कोई लालच नहीं है और उस प्राइस को लेने के लिए लोगों ने अभी जो होल्ड रखने लगी है वो कॉन्टैक्ट करके वर्ल्ड में जाएगा क्योंकि प्रिया जी का जो है वो ये है कि शुरुआत
तो प्रीमियम की तरह होती है, लेकिन उसमें अगर सबका सहयोग और अल्लाह मेहरबान हो जाए तो बड़ी हो जाती है। मैडम एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे और कम साहब से भी जानना चाहेंगे कि गलियों से टैलेंट निकालना तो इतना मुश्किल नहीं रहा था, इससे ज़्यादा मुश्किल उनको मैनेज करना रहा था। लास्ट सीजन में जो हमने देखा आपस में लड़ाई झगड़े करना, तो इस बार क्या उस चीज़ से आपने सीखा है और क्या इस बार वो गलतियाँ होगी? उसके लिए कुछ तैयारियां है, क्योंकि कहते हैं कि हम अपने जो पास होते हैं उससे सीखते हैं, तो क्या तैयारियां इस बार होगी? अच्छा, ये सीजन का फिनाले कहाँ होने वाला है मैडम, आपसे जानना चाहेंगे? लखनऊ में फाइनल है। थैंक यू। 25 लाख अखिलेश भाई घुमाओ। लाइट जा रहा है, एक बार सब लोग ऐसा कर 20 मिनट। अरे पूरा वाइट कर, खोल दे पूरा, खोल वाइट कर। अरे भाई इसके बाद यही छपेगा अभी, चुम कर ऐसे खड़ेगा, वहीं रख वहीं रख बीच में। किस तरह से आप जुड़े हैं, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली सीजन टू अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला कि लाइक एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जितने भी लाइक जो डिजर्व करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिनको जो डिजर्व करते हैं। आई होप कि ऐसे ही जितने भी इंडिया में बहुत लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसी तरह के बहुत ही शो आए जहाँ पर लोगों को एक चांस मिले। इसके अलावा आप किस तरह से गाइड करने वाले हैं, क्योंकि आप भी खुद इन्फ्लुएंसर भी है, किस तरह से गाइड करेंगे आप? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, ऑल ओवर द इंडिया, तो ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो अब यहाँ पर जो आज लेके आए हैं, ठीक है, जो भी सीजन में सीजन टू सीजन वन में, तो आई होप कि और लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग आए लेंगे, बट सीजन टू की बात करें तो आई होप कि इंडिया से जितने लोग आए, जितने लोग हो सके पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। 25 लाख का चेक हमने हमारे पास नहीं रखा था, फिर मीडिया के जनता नरेंद्र मोदी जी से करो यार, और हमारी ये कंडीशन थी कि जो भी हमारे चीज उनके सही सही जवाब देंगे उनको वो पैसा दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई उम्मीदवार नहीं आया कि जो सफल हुआ इन प्रश्नों से लेकर, और वो चेक अभी भी मैडम के पास है और आज हम उसे वापस लेंगे। वेरी मच वी आर उससे कोई मतलब वो नहीं कर, आने वाले सीजन में भी सेकेंड सीजन में भी हमारा यही प्राइस बने रहेगा 25 लाख। इस बार बढ़ाएंगे नहीं सर, इस बार बढ़ाएंगे नहीं 25 लाख तो दिखाई ना उठे अभी, तो ये सीजन में क्या क्या टारगेट किया, कौन कौन से सिटीज में आप जाके प्रमोशन करेंगे और कहाँ कहाँ से टैलेंट निकाल के लाएंगे? ये एक यूनिक शो है, ऐसा शो आज तक किसी भी टीवी चैनल पे या भारतवर्ष के किसी भी स्टेज के ऊपर ऐसा शो नहीं हुआ है। हम लोग जो है भारत के अलग अलग देश सिटीज में गए थे, इस बार हम लोग जो है और नए सिटीज में जाएंगे, जैसे कि लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, रांची, हैदराबाद, यहाँ पर जाकर के हम वहाँ पर ऑडिशन करेंगे, ऐसे श्रम से लिए में जाकर ऐसी जगह में जाकर के हम लोग चैलेंज को तलाशते हैं कि जहाँ पर उनको कोई अवसर नहीं मिलता, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बाकी जो लोग होते हैं उनके अंदर और अधिक टैलेंटेड पीपल लोगों पर चैलेंज दिखाते हैं। हम अनटैलेंटेड पीपल को लेकर के आ गया, स्किल लेवल को लेकर के आ गया, उनको स्किल बनाते हैं, हम तो ग्रूम करते हैं, वी डेवलप द स्किल, देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या टैलेंट है। और 25 लाख का फिर से रखेंगे हम लोग फिर प्राइस। हमारे पास भी नहीं, उन्हीं के पास। थैंक यू सर।